नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं 3 BHK के अपार्टमेंट का शो फ्लैट। एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपर है पुणे के, उनका मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं। और ये एक शो फ्लैट है, कारपेट है 1087 का और प्राइस है सिर्फ 1 करोड़ 17 लाख रुपए। 1 करोड़ 17 लाख ओनली, 3 BHK के अपार्टमेंट, बेस्ट डेवलपर ऑफ पुणे। एंड ये लोकेशन का एडवांटेज क्या है ना, आप जब आएंगे ना तो यहाँ का आपको इंफ्रा काफी अच्छा लगेगा, मुझे भी काफी अच्छा लगता है। आप आके चेकआउट कर सकते हैं। एंट्रेंस पे आपको मिल जाती है इस तरीके की डोर विद डिजिटल लॉक, बाहर आपको विडियो डोर फोन मिल गए हैं। जैसे आप फ्लैट के अंदर आते हैं ना तो ये आ जाती है आपकी एंट्रेंस लॉबी। एंट्रेंस लॉबी को इस तरीके से डेकोरेट किया गया है, बेसिकली आप अपने तरीके से कर सकते हो। इसकी एग्जैक्टली साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। एंड ये है आपकी लिविंग स्पेस, सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस, जहां पे आपके सोफा, सेंटर टेबल, सामने आ जाती है आपके टेलीविजन, सारी चीजें डन अप करके लगाई गई है ताकि आप देख सके। जब आप परचेस करते हो उसके बाद आप जब डन अप करते हो तो कितना स्पेस बचता है। लिविंग के साथ आ जाती है आपकी बालकनी, बट बालकनी में जैसे आप आते हैं ना एक्सेस करने के लिए तो आपको स्लाइडिंग डोर्स है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं ये, आके चेकआउट करने चाहिए क्योंकि वीडियो में आपको सब डोर्स दिखेंगे। एंड ये है आपकी लिविंग बालकनी, ऊपर से इनक्लोज है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं, ऑथेंटिक सी रेलिंग। एंड ये जो साइज है ना ये अलग से, यानी मैं बताऊँ अच्छे से 5 से 6 जन चेल आउट कर सकते हैं। इसकी भी एग्जैक्टली साइज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली जैसे आप फ्लैट के अंदर आए थे तो मैंने आपको दिखाया एंट्रेंस लॉबी, फिर उसके बाद लिविंग एंड लिविंग बालकनी, बट इस साइड में आ जाती है आपकी बेडरूम नंबर 1। प्लीज कम, तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1, जहां पे आप देख सकते हैं कस्टमाइजेबल बेड आपकी लगाई गई है अच्छी खासी साइज की। दोनों साइड में इंटीरियर पर्पज से एक स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है विद वार्डरोब, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी आ जाती है टेलीविजन यूनिट, वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज भी है। तो ये सारी चीजें डन अप करके लगाई गई है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ पाए जब आप डन अप करोगे तो कैसा दिखेगा। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में आप जैसे आते हो तो पहले आती है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब है तो नीचे स्टोरेज बना सकते हो। यहाँ पे आ जाती है आपकी कमोड एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। सारे फिटिंग्स प्रीमियम है, ऊपर तक टाइल्स लगाए गए हैं, इसकी वजह से आपको सीलिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। वेट एंड ड्राई एरिया को अलग किया गया है, यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन इस तरीके से पीओपी करके आपको मिल रही है। तो इसकी एग्जैक्टली साइज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। नाउ अब मैं दिखा दूं आपका डाइनिंग। तो ये है आपकी डाइनिंग स्पेस बॉस, यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी डाइनिंग आराम से। अभी 4 लोगों की डाइनिंग लगाई गई है, आपको चाहिए तो 6 लोगों की कर सकते हो। थोड़ा सा डाइनिंग टेबल बड़ा ले आओ, 2 चेयर और लगा लो, या तो चेयर को चेंज करके थोड़े से, ये इंटीरियर वाले चेयर है ठीक है, तो ये इनकी साइज थोड़ी ज्यादा होती है, तो आप दूसरे चेयर लगा के 6 लोगों की आपकी बन सकती है। इसके बाद आ जाती है आपके किचन स्पेस। किचन की बात करूं तो यहाँ पे आ जाते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रही है, नीचे आपको जो स्पेस मिल रहा है इसका यूटिलाइजेशन इन्होंने किया है क्लोज कैबिनेट्स लगाकर। ऊपर वाले स्पेस को भी इन्होंने क्लोज कैबिनेट्स लगा दिया है, तो इस तरीके से आप क्लोज कैबिनेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे एक आपको सिंक मिल रहा है एंड यूटिलिटी सेक्शन यानी ड्राई बालकनी को यहाँ पे इनक्लोज कर लिया गया है। तो एक सिंक आपको यहाँ पे मिल जा रही है, दूसरी सिंक यहाँ पे आ जा रही है ठीक है। नीचे स्पेस मिल गया तो स्टोरेज इस तरीके से इन्होंने बना लिया है, मैंने हमेशा ये बताया। यहाँ पे पॉइंट्स एंड टैप्स मिल गए तो वॉशिंग मशीन रख सकते हो। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज है, ये एक सैंपल फ्लैट है, जब आपका एक्चुअल फ्लैट मिलेगा तो ये यहाँ पे आपका ओपन रहने वाला है, जो आपको बाहर मतलब यू नो क्लोज क्लोज दिख रहा होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपके अगले बेडरूम्स में। तो इस सेक्शन में आपको मिल जाते हैं 2 बेडरूम, बेसिकली ये एक बटरफ्लाई लेआउट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आ रही है आपकी बेडरूम नंबर 2। प्लीज कम, ये है आपका बेडरूम नंबर 2, जहां पे आपको मिल जाती है 10x12 की रूम। बेसिकली अच्छा खासा साइज है, जहां पे आप बेड देखो, वार्डरोब लगाई गई है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है एंड यहाँ पे आपको एक नीचे स्पेस भी मिल जा रहा है। अब इसका यूटिलाइजेशन आप ना अलग तरीके से भी कर सकते हो, एक तो वार्डरोब वहाँ पे भी है, आपको चाहिए तो यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हो, स्टडी के लिए कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आप देख सकते हैं कि एक वार्डरोब होने के बाद यहाँ पे भी आप वार्डरोब बना सकते थे, या तो आपके बच्चों के लिए अगर ये बेडरूम बना रहे हो तो स्टडी के लिए बेस्ट है ठीक है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 2। इसके सामने आ जाती है आपकी कॉमन वॉशरूम। आइए, कॉमन वॉशरूम में जैसे आते हो तो पहले आ जाती है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब दिया गया है, नीचे स्टोरेज बना सकते हो। यहाँ पे आ जाती है आपकी कमोड एंड ये है आपकी शावर सेक्शन विद वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन एंड टाइल्स ऊपर तक लगाई गई है, तो इससे आपकी सीलिंग की समस्या कम हो जाती है। पीओपी किया गया है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पीओपी करने की जरूरत है नहीं। एंड ये है आपका बेडरूम नंबर 3। प्लीज कम, बेडरूम नंबर 3 में आते हो तो आपको लगता क्या है, देखो यहाँ पे बेड, अच्छी खासी बेड,
अगेन यहाँ पे वार्डरोब बताऊँ, बट यहाँ पे वार्डरोब की जो डेप्थ है एक थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो थोड़ी ज़्यादा है। कैनवास पर अगर लगाए गए हैं, ऊपर पीओपी किया गया है, फिर भी साइज़ आप अगर सीलिंग हाइट देखेंगे तो अच्छी है, सामने टेलीविज़न लगाया गया है, आप घर लोगे तो क्या लगाओगे, यही लगाओगे ना। उसके बाद भी आप देखो घर आपको कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब यू नो स्पेशियस लग रहा है। तो ये बेसिकली मैं आपको बेड नहीं दिखाता, मैं आपको वार्डरोब नहीं दिखाता, ये मैं दे ही नहीं रहा हूँ तो दिखाऊंगा क्यों, बट ये लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आप डनअप करोगे तो आपके माइंड में आ जाए कि भाई आपको स्पेस कितना मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ आ जाती है आपकी एक बालकनी, जिसको मैं मास्टर बालकनी बोलूंगा, बिकॉज दिस इज योर थर्ड बेडरूम, बट मास्टर बेडरूम के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं आप। साइज देखो बढ़िया सी है, फुल लेंथ में आपको 11x4.4 की साइज है, आपकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, ऊपर से इनक्लोज है, ऑथेंटिक सी रेलिंग आ रही है, इसका यूजेस काफ़ी अच्छा है। अगर इसके यूजेस जानने हैं तो आप हमें कॉल करेंगे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं। अब मैं लेके चलूंगा आपको इसके अटैच वॉशरूम, इसको मैं मास्टर वॉशरूम भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आ रही स्लैब, इस तरीके की आपकी मिरर है, आप बड़ा मिरर लगा लो, ऊपर तक अटैच लगाए गए हैं, नीचे आप स्टोरेज बना सकते हो, कमोड यहाँ पे आ रही है, एंड ये है आपकी शावर सेक्शन, ठीक है। नीचे जो टाइल्स लगाए गए हैं काफी अच्छे हैं, आंखों को सुकून देने वाले, मतलब आंखों को चुभने वाले नहीं है। वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन, एंड ये आपको इस तरीके की पीओपी मिलेगी। जो भी फिटिंग्स है सारी प्रीमियम फिटिंग्स है, आप हमें फिटिंग्स के लिए कॉल कर लो कि ये कौन सी फिटिंग्स आप दे रहे हो। अगर आपको 3BHK अपार्टमेंट पसंद आया, ये सैंपल फ्लैट का टूर, सॉरी शो फ्लैट का टूर पसंद आया, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता, और ये 3BHK अपार्टमेंट है आपका हिंजोरी फेज 2, बेस्ट लोकेशन है। आने वाले टाइम में आपको मैं कह रहा हूं कि यहां पे आज अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कल ये अपॉर्चुनिटी सेम प्राइस में नहीं मिलेगी। सेम चीज़ें मैंने बालेवाड़ी के लिए बोली थी 2 साल पहले, आज जब मैं बेच रहा था तो उस समय बालेवाड़ी का प्राइस था 70 लाख रुपये में 2BHK, आज आप चेकआउट कर लो, यहाँ का इंफ्रा वहाँ से भी ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आइडियल फ्लोर प्लान के साथ। मैं हूँ वरुण कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।